हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा की। सो अगर आपको पता नहीं हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा की तरफ से डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशंस आते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कॉमर्स एंड बाकी डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया था। सो उसी के बाद अभी कुछ और अपडेट्स है, उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइज, कैल्क यूनिव और सॉरी इट्स नॉट कैल्क, इट इज़ CALUNIV.ac.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली हमने अनाउंसमेंट्स वाला पोर्टल या पेज ओपन किया है। सो इसमें लेटेस्ट दो नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी की तरफ से एंड सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ ब्रीडिंग की तरफ से। इससे पहले आई थिंक हमने जियोलॉजी तक के नोटिफिकेशंस को देखा है। सो अगर अभी आपने नहीं देखा है तो एक बार आप फिर भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर कोई भी मिस हुआ हो तो। ठीक है, एक बार आप प्रीवियस ये जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें भी देख लीजिएगा एंड बाकी जो अपडेट्स हैं उन्हें भी। सो चलिए हम वन बाय वन ओपन कर लेते हैं एंड देन देखते हैं। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल PhD एंट्रेंस टेस्ट इन म्यूजियोलॉजी 2022। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD टू द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे SBI कलेक्ट के थ्रू। कैलकटा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, देन मिसलेनियस फीस, उसके बाद एडमिशन टू PhD के लिए एप्लीकेशन ये आप मैंशन करेंगे। ठीक है, 18 अप्रैल तक ये आपको करना है। उसके बाद स्कैंड कॉपी एप्लीकेशन की, साथ में सेल्फ अटेस्टेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की और पेमेंट रिसीट की, ये सभी आपको ईमेल कर देना है CU PhD एंट्रेंस टेस्ट museology@gmail.com इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। रिटन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होता है जो कि डिपार्टमेंट में ही होगा। कोलकाता आपको जाना होगा। 29 अप्रैल को टेस्ट होगा 1:30 PM से, और इसके बाद इंटरव्यू भी होगा। सो क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है म्यूजियोलॉजी में 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड बाकी जो और डिसिप्लिन जैसे कि मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं किसी और रेलिवेंट सब्जेक्ट में या BE BTEC MBBS डिग्री होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इन क्लॉसेस को फुलफिल करते हों। सो इसके लिए आपको ऑर्डिनेंस पढ़ना होगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। रिटन टेस्ट 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स ईच के। ओके, उसके बाद है बेस्ड ऑन ओके, सो एक रेलिवेंट पैराग्राफ होगा उसी के बेसिस पे होगा रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा 25 MCQs होंगे 2-2 मार्क्स के एंड कोर सब्जेक्ट से होंगे, एंड उसके बाद 25 मार्क्स आपके रिसर्च प्रपोजल के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। सो 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, पैराग्राफ बेस्ड होंगे। 25 MCQs होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद 25 मार्क्स आपके प्रपोजल के होंगे। क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, सो आप देख सकते हैं 3 पेपर्स होते हैं अभी MA MSc जो सिलेबस है उनका, इसी के बेसिस पे होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50%, उसके बाद ही इंटरव्यू आपका होगा। एंड वेबसाइट पे जो लिस्ट है वो 16 मई तक आ जाएगी। जिनके पास ऑलरेडी नेट, सेट, स्लेट, गेट, MPhil, MTech, MD एग्ज़ाम है या फिर DST इंस्पायर फेलो हैं या कोई और फेलोशिप है, सो वो डायरेक्टली इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं, रिटर्न उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू होगा 23 मई को HOD के ऑफिस में होगा, 1 बजे से आपको वहाँ पर जाना होगा। अभी कितनी सीट्स हैं, आई थिंक यहाँ पे लिखा है कि एट प्रेजेंट 17 कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड। ओके, सो आप इतने ही कैंडिडेट्स हैं जो कि एनरोल्ड होंगे। सो 17 कैंडिडेट्स के लिए सीट है। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आपको फिल करना है एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ईमेल कर देना है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सो PhD प्रोग्राम के लिए है, 2 वैकेंसीज हैं इस डिपार्टमेंट में। सो 2 ही सीट्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी अप्लाई करिएगा। सेम है, PhD एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कब होगा, सो 30 मार्च को होगा एंड उसी दिन इंटरव्यू है। सो दोनों ही जो प्रोसेस है, दैट इज एंट्रेंस एंड इंटरव्यू, सेम डे होगा। सबमिशन का लास्ट डेट 29 मार्च है। एंट्रेंस टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, क्वेश्चन शॉर्ट टाइप भी होंगे। ओके, 1 आवर ड्यूरेशन का होगा एंड इंटरव्यू 30 मार्च को होगा, तो जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। टाइम 4 PM है। उसके बाद यहाँ पे नेट, गेट वगैरह क्वालिफाइड है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपका भी इंटरव्यू सेम डे ही होगा। ओके, क्राइटेरिया सेम है, 55% मार्क्स के साथ, मास्टर्स डिग्री है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में तो आप एलिजिबल हैं, एंड जो भी नेट, गेट एक्सेट्रा क्वालिफाइड है वो एग्जेम्प्टेड हैं PhD एंट्रेंस देने से। अप्लाई कैसे करना है, सो 100 रुपीज़ आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। एंड कैसे पे करना है, सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे यू कैन सी प्रोसेस दिया हुआ है। सो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो ऐसे आप पे कर देंगे, पेमेंट रिसीट, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, देन बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट करने होंगे। सो यही यहाँ पे लिखा है, द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सो पासपोर्ट साइज फोटो है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है, ये सभी आपको सबमिट करना है। सिलेबस क्या है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। एंड ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एंड आई थिंक ये आपको सबमिट कैसे करना है, वेट लेट मी चेक।
सो गाइज यहाँ पे आज सच कोई वेब्स आई मीन सॉरी ईमेल आईडी तो नहीं दी हुई है। सो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको सबमिट क्या ऑफलाइन करना है या फिर ईमेल आईडी है कोई, ठीक है, तो उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। एंड यस, ये थी अपडेट कैलकटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और भी अपडेट आती रहती हैं टाइम टू टाइम, सो प्लीज़ आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा अगर आपको अप्लाई करने में इंटरेस्ट हो, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।